2023 में जब दुनिया के कई देश आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तब भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है। अर्थव्यवस्था में उछाल के साथ साथ 2023 में भारत ने और भी कई असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं और कई आयामों में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। नमस्कार, मैं हूं रुचि अनुरुद्ध। आज रियल स्टोरी के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि कैसे भारत ने 2023 में ग्लोबल लीडर के रूप में खुद को स्थापित किया है, और ये बात हम 10 बिंदुओं में जानेंगे। पहला, ग्लोबल आर्थिक लीडर। जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में थी, तब सभी कह रहे थे कि इसका सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, और पड़ा भी। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था तब से लगातार गिरावट पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था नए कीर्तिमान रच रही है। जुलाई से सितंबर 2023 की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.6% की दर से जीडीपी का विकास हुआ है, और अगर अप्रैल से सितंबर की छमाही की बात करें तो जीडीपी वृद्धि दर 7.7% है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि है। और इतना ही नहीं, भारत ये वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख कर कर रहा है। शायद ही ऐसी कोई बड़ी अर्थव्यवस्था हो जो ये दोनों काम एक साथ कर रही हो। दूसरा, ग्लोबल राजनीतिक लीडर। भारत ने 2023 में राजनीतिक रूप से खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। ये बात G20 सम्मेलन के दौरान साबित हो गई। पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 समिट के दौरान इतिहास रचा गया। पहला तो ये कि 9 सितंबर 2023 को G20 समिट में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पास हुआ, जबकि सभी को यही अंदेशा था कि G20 बिना डिक्लेरेशन के खत्म हो जाएगा, देशों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कूटनीतिक दक्षता ने सभी देशों की सहमति प्राप्त कर ली। ये सहमति इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जब दुनिया रूस यूक्रेन मुद्दे पर बटी हुई थी, तब भारत ही वो देश था जो बहुपक्षीय मंच पर एक कॉमन एजेंडे पर सबकी सहमति बनवा पाया। दूसरा, पीएम मोदी ने G20 को G21 में बदल दिया। उनकी पहल के बाद ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया, और ये भारत की G20 में सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत और वैश्विक पटल पर भारत के राजनीतिक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापना थी। तीसरा, उभरता ग्लोबल वैज्ञानिक लीडर। 2023 में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने वो कर दिखाया जो अब तक के वैज्ञानिक इतिहास में दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। भारत ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया। 23 अगस्त को शाम 6:05 पर चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। अब तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई भी देश लैंड नहीं कर पाया, जबकि भारत ने बिना किसी त्रुटि के ये कर दिखाया। चौथा, टेक फॉर मासेस के मामले में ग्लोबल लीडर। G20 समिट के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब भारत द्वारा तय किए गए पैमाने को वैश्विक स्तर पर एक मॉडल माना गया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI भारत द्वारा स्थापित एक ऐसा मानक है जिसके लिए भारत को ग्लोबल लीडर माना जाता है। DPI को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष भूमिका है। जनधन से शुरू होकर जैम, ट्रिनिटी, UPI, DBT जैसी अन्य विश्व स्तरीय योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, और पूरी दुनिया भारत के DPI मॉडल को अपनाने के लिए आतुर है। पांचवा, मेक इन इंडिया के तहत उभरता मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ग्लोबल लीडर बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट स्वयं बनाने की क्षमता है। आईफोन 15 का उत्पादन भारत में ही हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है और लगभग 50,000 करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं। उधर वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन भी देश में ही बन रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि 2023 में भारतीय बाजार में जितने भी फोन की बिक्री हुई वो लगभग पूरी तरह देश में ही तैयार हुए हैं। साल 2023 में भारत ने 27 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स का प्रोडक्शन किया, और 2014 की बात करें तो भारत ने 81% मोबाइल फोन चीन से आयात किए थे। 10 साल में आया ये फर्क देखिए कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश है। छठा बिंदु, गति शक्ति फॉर इंफ्रा के तहत दुनिया को नया मॉडल देना। जिस तरह डिजिटल पेमेंट के लिए भारत ने DPI जैसा मॉडल दिया, उसी तरह आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सैटेलाइट तकनीक आधारित नया मॉडल विकसित किया गया है, जिसे गति शक्ति फॉर इंफ्रा नामक दिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाना है। गति शक्ति सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके देश के एक एक इंच जमीन के सभी आयामों की मैपिंग करके उसे एक बटन के क्लिक पर कंप्यूटर पर उपलब्ध कराती है।
सरकार के प्लानर्स को जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में सालों लग जाते थे, अब कुछ ही घंटों में गति शक्ति के माध्यम से संभव हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता से उपजी इस तकनीक को कई देश अपनाने के लिए इच्छुक हैं। सातवां, नेशन फर्स्ट विदेश नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2023 में स्वतंत्र नेशन फर्स्ट विदेश नीति को निर्बाध स्थापित किया है। बात चाहे यूक्रेन में चल रहे युद्ध की हो, इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच संघर्ष की हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में निर्भरता के लिए लिए गए फैसलों की हो, चाहे दुनिया भर में भारत विरोधी चरमपंथियों और आतंकवादियों से डील करने की बात हो, भारत ने हर मुद्दे पर नेशन फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी को ही सर्वोपरि रखा है। और यही वजह है कि भारत के प्रति दुनिया के नजरिए में अब सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। आठवां बिंदु, नारी सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ते कदम। 2023 में ही नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति के लिए एक सराहनीय मॉडल स्थापित किया है। देश की संसदीय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को दोनों सदनों में पास कराया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत देश की महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान है। इस कदम ने भारत को उन अग्रणी देशों की श्रेणी में रख दिया है जो महिलाओं को संस्थागत तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। नौवां बिंदु, गरीबी उन्मूलन में ऐतिहासिक प्रगति। पिछले 4.5 साल में देश के करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी से निकलकर न्यू मिडिल और मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। इतनी अधिक मात्रा में लोगों को गरीबी से इतने कम समय में बाहर निकालने का शायद ये दुनिया में कीर्तिमान है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? तो जवाब है मोदी सरकार की तमाम योजनाएं, जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय या फिर वित्तीय सहायता वाली योजनाएं हो, गरीबी उन्मूलन में इन सभी योजनाओं का योगदान रहा है। देश के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रधानमंत्री के विचार का भी गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत ने सिद्ध कर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भी तीव्र गति से गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है और बाकी दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। दसवां बिंदु, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ग्लोबल लीडर। भारतीय लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के तौर पर स्थापित हुआ है, जहां जनता अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। समय पर शांतिपूर्ण नियमित चुनाव होते हैं जिनमें जनता ही सरकार को वोट देकर स्वीकार करती है और जनता ही अस्वीकार भी करती है। ये दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां अदालतें और मीडिया निष्पक्ष रूप से अपना काम करती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं। उसी चुनौतीपूर्ण फैसले पर देश का सर्वोच्च न्यायालय उचित अनुचित का फैसला सुनाता है। इस तरह भारत का मजबूत लोकतंत्र दुनिया के लिए एक आदर्श लोकतंत्र बन गया है। तो ये तो थी 2023 की 10 प्रमुख उपलब्धियां जिन्होंने भारत को वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित किया है। अब आपको 2024 के शुरुआत में ही होने वाली दो ऐसी बातें बताते हैं जो भारत की उपलब्धियों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। 22 जनवरी 2024, जी हाँ, ये वही तारीख है जब शताब्दियों की प्रतीक्षा का अंत होगा और दुनिया अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करें। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। और दूसरी बात, विकसित भारत एम्बेसडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों से विकसित भारत एम्बेसडर बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान में वैसी ही अभूतपूर्व क्षमता है जैसे परतंत्र भारत में महात्मा गांधी के आह्वान ने पूरे देश को सत्याग्रही बना दिया था। इन्हीं सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण तरीके से विश्व के सबसे बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका था। और आज पीएम मोदी भी देश के विकास के लिए देशवासियों को एम्बेसडर बना रहे हैं। जो पराक्रम सत्याग्रहियों ने आजादी के लिए किया, वही पराक्रम विकसित भारत एम्बेसडर विकास के लिए कर दें, तो आप खुद सोचिए किसी में क्षमता है क्या हमें रोक पाने की। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अब आपसे एक नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ नए साल में यानी 2024 में मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और 2024 के लिए शुभकामनाएं।